नमस्कार आदाब, मैं हूं वसीम अकरम। इस वक्त हाजिर हूं आपके साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरदोई जिले में उधारी के दिए गए 20,000 रुपए मांगने के बाद हुए विवाद में युवक की भाभी ने अपने ही देवर को धारदार हथियार से घायल कर दिया। घायल युवक की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने घायल युवक को शाहबाद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला हरदोई जिले के थाना मछला क्षेत्र के गांव उल्ली का है। यहां के रहने वाले राम सनेही और उसकी भाभी एक भट्टे पर काम करते हैं। एक बार उसकी भाभी को किसी काम के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो देवर से उसने पैसे मांगे तो उसने उसको उधार दे दिए और कहा कि जब भट्टा मालिक रुपए देगा तो हमारे रुपए हमको वापस कर दीजिएगा। काफ़ी समय के बाद जब उसको पैसे नहीं मिले तो देवर ने अपनी भाभी से अपने रुपए मांगे। इसी बात पर महिला ने रुपए देने में आनाकानी की और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और महिला ने अपने देवर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे राम सेने ही घायल हो गया। शोर मचाने के बाद मौके पर पहुंची घायल की पत्नी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि CHC शाहबाद के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नौमानुल्ला का कहना है कि युवक को डायल 100 पुलिस लेकर आई है। लोग बता रहे थे कि इनकी कोई आपसे रंजिश में किसी धारदार हथियार से इनके ऊपर वार किया गया है। घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बहरहाल अभी तक पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है। 1,000 रुपया रहे मांगने गए और रुपया दे नहीं, उन्होंने कहे नहीं दी वो पे भेजरा मर जेठ मरी गई है, उन्होंने कुल्हारी मार 100 डायल लेके आई है और गाँव थाना मछला के अंतर्गत आता है, वहाँ से ये पेशेंट आया हुआ है। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि इनकी कोई आपसी रंजिश में किसी धारदार हथियार से इनके ऊपर वार किया है। अभी तो उनको हमने पट्टी करके इनको रखा हुआ है, कोई खतरे में नहीं है। अभी इनकी कोई FIR या NCR नहीं हुई है कि इनका क्या मामला था। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।